प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं इसके इलाहाबादी। पब्लिक बोले में आपका स्वागत है। प्रदेश में चुनाव की डेट कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में मौसम सर्द होने के साथ ही साथ चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज संगम नोज पे। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो है गंगा और यमुना का मिलन हो रहा है। यूँ कहा जाए गंगा यमुना और सरस्वती का जो है पावन संगम तट है। और यहाँ जो है सर्दी में जो है कुछ लोग आग ताप रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो है चुनाव का क्या माहौल है। का दिन है, उसके बाद सारी रोड अच्छी हो गई है। अच्छा, और गुंडा राज खत्म हो गया है। लगता है कि किसकी सरकार वापसी कर सकती है चुनाव में? किसने बेहतर काम किया, पुरानी सरकारों ने या जो वर्तमान में सरकार है? देखिए, ऑप्शन कोई है नहीं बीजेपी के अलावा, क्योंकि कोई भी सरकार ने काम किया है, लेकिन बीजेपी ने जो काम किया है वो बहुत हाईलाइटेड है इस समय। हाँ, और जैसे कुछ कामों की यदि कहा जाए, अगर गिनती कराइए तो अभी आप संगम पे खड़े हो, आप यहीं पे देख सकते हो कि योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स करवाए हैं काम को लेके। लाइक आप देख सकते हो कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं इलाहाबाद के जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं था और सड़कें बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने उनको भी मतलब बहुत नीचे तलबे से उन्होंने काम करवाया है, इम्प्रूवमेंट्स करवाए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब बीजेपी ही आएगी इस बार भी। एक सवाल लेना यहाँ पे लाजमी है कि प्रियंका गांधी जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत प्रदेश में काम कर रही है, काफी भीड़ जो है अभी लखनऊ में उन्होंने जो है जेंडर की आड़ में आप इस चीज को छुपा नहीं सकते हैं। किसी भी चीज को या किसी भी रिजल्ट को आप उस चीज के जेंडर के उसमें नहीं छुपा सकते हैं कि हम लड़की हैं लड़का है। अब वो चीज जमाना निकल गया, भारत अब बहुत आगे बढ़ गया है जेंडर इनइक्वालिटी से, मुझे ऐसा लगता है। अब बराबरी का दर्जा है लड़की और लड़की दोनों को, और इस चीज के आड़ में चुनाव लड़ना बेवकूफी है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, क्या लगता है प्रदेश में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, मोदी जी को हमेशा आना चाहिए, हर बार आना चाहिए। लेकिन इस बार तो प्रदेश का चुनाव है जो है, जिसमें जो है सीएम योगी भी बीजेपी को आना चाहिए, बीजेपी को ही आना चाहिए। बिल्कुल, क्या कुछ बदला है इलाहाबाद में? अरे पूरे इलाहाबाद की कायाकल्प बदल गई है। अच्छा, हमारे साथ अंकल जी भी हैं। अंकल जी अभी कुछ देर पहले यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे जो है संगम घाट पे। तो अगर चुनाव की बात की जाए, सियासत की बात की जाए, तो क्या रुख है प्रदेश में? अब चुनाव का तो देखिए ऐसा है कि मोदी और योगी ने इतना बढ़िया काम किया कि अब की तो बीजेपी आएगी यहाँ उत्तर प्रदेश में। उसका कारण यह है कि पिछला कोविड जो हुआ था उसके पहले के कोविड से भी इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया इन लोगों ने। देखिए, त्रासदी होती है कि तो पूरे विश्व में आदमी मरते हैं, सब कुछ हुआ है, वो तो भाई होना ही था, लेकिन इन्होंने मैनेजमेंट जितना बढ़िया किया है, अब आप देख लीजिए पूरे भारत की जनता को फ्री में खिला रहे हैं। अगर मोदी योगी ना होते, अगर खिलाते ना, तो कितने जनता तो भूखों मर जाती। आप ये सोचिए कितनी जनता भूखों मर जाती जो 80 करोड़ आदमी को फ्री में खिला रहे हैं, ये 1.5-2 साल से फ्री में खिला रहे हैं। और चावल है, दाल है, तेल है, आटा है। कितना इफेक्टिव होगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस चुनाव? वो तो देखिए नाटक है। जब आप देखिए 10-15 साल से जब से ये राजनीति में आई हैं, एक तो राजनीतिक है नहीं ये, जब चुनाव शुरू होता है उसके एक महीना पहले ये आती हैं कि मैं नेता हूँ, लेकिन ये नेता है ही नहीं है इस समय। प्रियंका गांधी नेता नहीं है ना, हम नेता नहीं मानते उसको। अच्छा, ना राहुल को मानते हैं, ना प्रियंका को मानते हैं, ना अखिलेश को मानते हैं। अखिलेश को मानते हैं? हाँ, अखिलेश को मानता हूँ। अखिलेश को मानते बिल्कुल अखिलेश। अच्छा, अभी खराब कर दिया है। अच्छा, अखिलेश परिवारवाद के कारण जो उसके चाचा आ जाते हैं ना अखिलेशवाद के, उससे उसकी पार्टी खराब हो जाती है। अच्छा, अगर अखिलेश अकेला रहे सेपरेट तो वो तो अखिलेश अकेले ही नहीं, अभी उसके चाचा से संबंध हो गया है ना, तो इसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अगर ये चाचा से संबंध ना होता तो ये फुल फ्लेश आ जाता, ये भी बता देते हैं। दोबारा इस बार सत्ता में आ जाते अगर चाचा आने की चांसेस था। हाँ, आने की चांसेस था, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। अखिलेश को समझो भी, हाँ, क्या नाम है आपका? राजीव। हाँ, अखिलेश को करना क्या है ये वो नहीं बताते। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ योगी की बुराई या मोदी की बुराई, मतलब अगर बुराई न करें सिर्फ अपना काम करें, बस खाली वो बताएं कि हमको प्रदेश में करना क्या है। अच्छा, बुराई ना करें, बुराई ना करें,
वो करना क्या ये खाली बताएं। मतलब आपका कहना है कि अगर अखिलेश सिर्फ विजन दे तो ज़्यादा अच्छा ही बिल्कुल होगा। उनको खाली योगी ने क्या किया, हमने जो है वन वे बनवाया, उन्होंने फीता काटा, हमने अरे तुम सब बनवाए तो किए क्यों नहीं, उन्होंने क्या करोगे उन्हें बताना चाहिए, अखिलेश को ये बताना चाहिए कि आगे हम क्या करेंगे। और जब महामारी आई तो ये बिल में छुप गए, जब चुनाव के लिए निकल आए बाहर। सबसे ड्रॉबैक अखिलेश यादव का ये था कि जब कोविड था तो कोविड में ना तो राहुल गांधी सड़क पे आए, ना तो प्रियंका आई और ना तो ये अखिलेश आया, कोई भी नेता नहीं आया, सिर्फ योगी और मोदी यही जो है यही कमांड किए थे पूरा। ये सब है तो चांसेस तो देखिए अखिलेश का ही है, ये क्या बोलते हैं सॉरी ये योगी जी का चांसेस बहुत है और हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। अगर जो है योगी और मोदी ना होते तो जितने लोग कोविड में मरे हैं उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाते भारत में। ये मतलब एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट मैं बता रहा हूँ योगी मोदी का जो बात है। आज भी करोड़ों आदमी जो है फ्री में खाना उनको मिल रहा है। इसने कभी भी धर्म की बात नहीं की कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, पूरे आम जनता को फ्री में अनाज दिया, फ्री में तेल तक दे रहा है, सब कुछ। अब इस क्या चाहिए भाई, मकान दे रहा है फ्री में, सब गरीबों को सबको मिल रहा है। लेकिन ये फ्री में देने की जो परंपरा है, मतलब इतने लोग बेरोजगार हो गए थे कोविड के समय में, इतने लोग पूरे हर आदमी हम कहते हैं आप उनको फ्री में देने के एवज में आप इम्पावर क्यों नहीं करते हैं, उनको जॉब क्यों नहीं देते हैं। बता रहा हूँ कोविड में आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो आदमी जब घर से बाहर नहीं निकल पाएगा तो कैसे काम करेगा। जितने मजदूर वर्ग है भाई, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिल जाएगी, प्राइवेट आदमी का तो काम बंद हो गया, मजदूर का काम बंद हो गया। निश्चित रूप से आपका जवाब जो है वाकई में जो है लाजमी है। मरे हैं उससे ज्यादा भूख से मरते आदमी अगर ये खाना फ्री में देते सबको। रही बात रोजगार का, तो ये सबसे देख सकते हैं कि ये संगम के वो तमाम लोग हैं जो यहाँ आते हैं दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। इनकी अपनी राय है कि प्रदेश में चुनाव जो है किस स्थिति में जा रहा है। तमाम लोगों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। प्रभात खबर से एसके इलाहाबादी प्रयागराज। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।